मैं आपको दिखाने वाला हूँ भावनगर का स्पेशल सैंडविच रोल। तो ये देखिए यहाँ पे सैंडविच की कटिंग हो रही है और हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे सैंडविच रोल लगने जा रहा है। तो ब्रेड का साइज देखो कितना लंबा है, बाकी जगह आपको ऐसा ब्रेड नहीं मिलने वाला। ये देखिए, तो ये देखिए ये बटर लग गया और ये लगी हरी चटनी। तो देख सकते कितने सारे सैंडविच एक साथ रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। तो अंकल जी पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता काम? ऐसे ही चलता रहता है। ये देखिए सैंडविच रोल यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ सैंडविच रोल। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए आलू डाल रहे हैं इसमें। तो कितने पीस रहते हैं आलू के? चार आलू रहते हैं। ये देखिए भाई बीटरूट आ गए यहाँ पे, चार पीस बीटरूट के डालते हैं इसमें। ये देखिए तो मूंगफली का एकदम चूरा करके डाल रहे हैं, सीम बोलते हैं चूरा मूंगफली। ये डल गया यहाँ पे कैचअप। ये देखिए पूरा एक पाउच डाल देते हैं इसमें। ये देखिए तो ये देखिए भाई चीज डालने जा रहा है इसके ऊपर, अमूल का चीज रहता है, अमूल का ही रहता है। तो भाई क्वालिटी एकदम बढ़िया रखते हैं, अमूल क्वालिटी यहाँ पे डाल दी है। तो अब डालेंगे इसमें टमाटर। ये देखिए तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल दिए यहाँ पे। तो ये हमारे सैंडविच रोल लग के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, आपको मिल जाएगा साइज़ देखिए रोल का और इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें डाली हुई है ना। और ये कटिंग कर दी, चार पीस के कट हो चुके हैं। तो हमारा सैंडविच रोल यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है।